पावर ट्रांसमिशन में एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज की वीडियो है दोस्तों हमारी पुलिस के ऊपर, तो बात करते हैं पुलिस के बारे में। पुली क्या होती है? पुली इज ए टाइप ऑफ डिस्क और व्हील विद ग्रूव। ये एक प्रकार के डिस्क या व्हील होता है जिसपे ग्रूव कटे हुए हैं, टू कीप ए रोप इन प्लेस, ताकि उनके अंदर जो है रोप या रस्सी वगैरह फंस जाए। फिक्स्ड ऑन एक्सल और ए शाफ्ट, एक एक्सल या शाफ्ट पर यह फिक्स होती है बाय मीन्स ऑफ की टू रोटेट अलोंग विद द शाफ्ट। एक की सहायता से इसको फिक्स कर देते हैं ताकि वो शाफ्ट के साथ रोटेट करे। इट ट्रांसमिट्स पावर ड्यू टू फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन के कारण पावर को जो है ट्रांसमिट करती है। अब पुली की एप्लीकेशंस की बात करें, इट इज ए सिंपल मशीन यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पुली फोर्स टू हेल्प द लिफ्ट्स लोड, पुलिंग फोर्स और हेल्प टू लिफ्ट लोड, यानी कि क्या है, यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए और लोड को लिफ्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके एप्लीकेशंस की बात करें, एक क्रेन यूजेज ए सिंगल पुली, क्रेन के अंदर सिंगल पुली होती है। एलिवेटर्स यूज मल्टीपल पुलीज इन ऑर्डर टू फंक्शन, एलिवेटर्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी पुलियाँ होती हैं अलग अलग कार्य के लिए। एक कार्गो लिफ्ट सिस्टम दैट अलाउज फॉर आइटम्स टू बी होस्टेड टू हायर फ्लोर इज पुली सिस्टम, और जो हमारे पानी के जहाज वगैरह में जो सामान को लोड करते हैं नावों के अंदर, वहाँ पर कार्गो लिफ्ट सिस्टम होता है, वहाँ पर पुली का इस्तेमाल किया जाता है। वेल्स जो कुएं होते हैं यूज इज द पुली सिस्टम टू होइस्ट द बकेट आउट ऑफ द वेल, मतलब यानी कि पानी की बाल्टी को कुएं से बाहर निकालने के लिए भी हम पुली का इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्शन पुलीज आर यूज इन ऑर्डर टू लिफ्ट एंड प्लेस हैवी मटेरियल्स, और जो हम कंस्ट्रक्शन का कार्य जो करते हैं, जहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है, पुल वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पर भी पुली की सहायता से हम हैवी मशीन सामान को जो है इधर उधर करते हैं। कर्टेन्स एट ए थिएटर आर मूव्ड यूजिंग पुली सिस्टम टू पुल द कर्टेन्स अपार्ट, और जो सिनेमा घरों में जो पर्दे लगे होते हैं उन पर्दों को जो है इधर उधर मूव कराने के लिए भी हम पुली का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज इन ब्लाइंड ऑन विंडोज, जो ब्लाइंड्स लगते हैं विंडोज में हमारी खिड़कियों पर, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्लैग पोल्स, इंजन्स, बुलडोजर्स, ऑयल डेरिक, गैरेज डोर्स एंड रॉक क्लिंबर्स, इनके अंदर सभी के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। द ड्राइव एलिमेंट ऑफ पुली सिस्टम कैन बी बेल्ट, रोप, केबल और चेन। अब जो हम इसको जो ड्राइव एलिमेंट है, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है कि पुली के ड्राइव एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो बेल्ट है, रोप है, केबल है और चेन है, इनकी सहायता से हम पुली को जो है मूव करा सकते हैं। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो द फर्स्ट पुली वाज क्रिएटेड बाई मेसोपोटामियंस इन 1500 BC टू होइस्ट वाटर, मतलब जो सबसे पहली पुली जो बनाई थी वो मिस्र वासियों ने 1500 BC पूर्व पानी को होइस्ट करने के लिए, पानी को उठाने के लिए इस्तेमाल किया था। आर्किमिडीज, जो आर्किमिडीज था, यूज्ड कंपाउंड पुली सिस्टम, उसने कंपाउंड पुली सिस्टम यूज किया था टू मूव मैसिव शिप्स आउट ऑफ द वाटर, पानी से भारी जहाजों को बाहर निकालने के लिए। टू और मोर पुलीज टूगेदर आर कॉल्ड ए ब्लॉक एंड टैकल, दो और दो से अधिक पुलियों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो उसको ब्लॉक एंड टैकल बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आता कई बार डिप्लोमा, ITI और जॉब में, कि जब टू और मोर पुलीज टूगेदर हेल्ड की जाती हैं, जोड़ी जाती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, तो ब्लॉक एंड टैकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मटेरियल ऑफ पुली, अब पुली के मटेरियल की बात करें तो पुलीज आर मेड, मे बी मेड ऑफ कास्ट आयरन, रोट आयरन, स्टील और वुड, ये कास्ट आयरन की बनी हो सकती है, रोट आयरन की भी, स्टील की भी और वुड की भी, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द कंडीशन ऑफ द वर्क, साइज पर डिपेंड करता है और फिर किस प्रकार का कार्य है उस पर डिपेंड करता है। कास्ट आयरन पुलीज आर जनरली यूज इन द वर्कशॉप्स टू ट्रांसमिट मोशन और पावर, कास्ट आयरन की पुली जो होती है अधिकतर वो वर्कशॉप में इस्तेमाल की जाती हैं पावर को इधर से उधर ट्रांसमिट करने के लिए। मैक्सिमम रिम स्पीड ऑफ द पुली शुड बी 1500 meters per minute, इसको ध्यान रखना कि जो पुली की जो स्पीड होती है मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं, तो 1500 meters per minute के हिसाब से हम इसको रख सकते हैं। अब नंबर ऑफ आर्म्स की बात करते हैं दोस्तों, कि जो पुली जो होती है इसके अंदर कितनी आर्म्स लगा सकते हैं, तो नंबर ऑफ आर्म्स ऑफ पुली डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर, ये पुली के डाया पर डिपेंड करता है। फोर पुली अप टू 200 mm डायमीटर, यदि जिस पुली का डायमीटर 200 mm है तो उसके अंदर हम तीन आर्म्स लेंगे। फोर पुलीज अबाउट 200 mm डायमीटर एंड अप टू 450 mm डायमीटर यूज फोर आर्म्स, और जिनका डाया 200 mm से 450 mm तक है उसके अंदर हम चार आर्म्स लेते हैं, और फोर पुलीज एवं 450 mm डायमीटर यूज सिक्स आर्म्स, और जिनका डाया 450 mm से ज़्यादा होता है उसके अंदर हम छः आर्म्स लेते हैं। दोस्तों इस आर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है कि पुली के अंदर कितनी आर्म्स ली जाती है और किस कंडीशन में ली जाती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्म्स, पुलीज आर्म्स ऑफ इलिप्टिकल सेक्शन, ये इलिप्टिकल सेक्शन में होती हैं, बीच में भी स्ट्रेट और कर्व्ड, जो कि स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं। कर्व्ड आर्म्स हैव द एडवांटेजेस ओवर द स्ट्रेट आर्म्स, अब कर्व्ड आर्म्स की कुछ
फायदे होते हैं, लाभ होते हैं दैट स्ट्रेट आर्म्स के मुकाबले, दैट दीज कैन यील्ड अंडर द स्ट्रेसेस रेदर देन ब्रेकिंग, यानी कि स्ट्रेस झेल लेती हैं रेदर देन ब्रेकिंग, ब्रेकिंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन की, पुली जो बनी होती है कैसे बनी होती है, एक्सेप्ट वुड पुली, यानी कि लकड़ी की पुली को छोड़ करके बाकी जितनी भी पुलियाँ होती हैं, विच आर जनरली सिंपल सिलेंडर कीड टू द साफ्ट, ये सिंपल सिलेंडर कीड होती हैं साफ्ट से, यानी कि की की सहायता से जुड़ी होती हैं, ऑल अदर पुलीज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, सभी पुली के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, हब और बॉस बोलते हैं एक तो, दूसरा रिम या बैब, सॉरी एक पार्ट हो गया हब या बॉस, दूसरा हो गया रिम और तीसरा हो गया बैब और आर्म्स, दीज थ्री पार्ट्स मे बी इंटीग्रल एज इन सॉलिड कास्ट आयरन पुली और सेपरेट एज इन बिल्टअप पुली, यानी कि कास्ट आयरन पुली की तरह इंटीग्रल भी हो सकते हैं और बिल्टअप पुली की तरह सेपरेट भी हो सकते हैं। तो तीन पार्ट्स होते हैं रिम, रिम क्या होता है इसका आउटर पोर्शन, हब और बॉस क्या होता है इनर पोर्शन, और आर्म्स कनेक्टिंग द रिम और हब। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन आता है, फिगर दे देंगे और आपका रिम या आर्म्स या हब में से किसी को हटा करके एक्स लिख देंगे और पूछ लेंगे कि इस पार्ट्स का क्या नाम है, तो इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोस्तों, जरूर ध्यान रखना पुली के अंदर इस चीज को। बात करते हैं क्राउनिंग की, रिम ऑफ द पुलीज आर ऑफन गिविंग कैम्बर और कॉन्वेक्सिटी, यानी कि जो पुली जो होती है उनके रिम पे या तो कैम्बर या कॉन्वेक्सिटी दी जाती है टू प्रिवेंट द स्लिपिंग ऑफ द बेल्ट ऑफ द पुली, ताकि पुली के ऊपर से बेल्ट जो है स्लिप ना हो जाए ऑन द सर्फेस, उसकी सर्फेस से, द कैम्बर इज कॉल्ड द क्राउनिंग और ड्रॉ, इसको क्राउनिंग या ड्रॉ भी बोलते हैं। अब फिगर में देख सकते हो बीच में से जो है ये उभरी हुई है, ठीक है, तो क्राउन टेपर है, ये क्राउन हाइट है और बीच में क्राउन दिखा रखा उभरा हुआ जो पोर्शन है, फिगर देख लेना। द बेल्ट गेट्स एट साउंड ग्रिप ओवर द पेरीफेरी ऑफ द पुली, अब जो इसके कारण जो है जो बेल्ट जो होती है वो साउंड ग्रिप यानी कि मजबूत ग्रिप के साथ उस पर चिपक जाती है, द बेल्ट विल नॉट स्लिप ऑफ द पुली व्हेन इट रोटेट्स एज इट वुड हैव टेंडेंसी टू स्लाइड राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पेरीफेरी ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब जब मजबूती से चिपक जाती है तो इसकी टेंडेंसी होती है बेल्ट जो होती है वो लोअर पेयर से हायर पेयर की तरफ मूव करती है और इस वजह से फिर जो वो स्लिप नहीं हो पाती है। क्राउनिंग कीप्स द बेल्ट सेंट्रल ऑन पुलीज, क्राउनिंग जो होती है इसका काम क्या होता है वो बेल्ट को जो है सेंटर में रखती है, एक्सेसिव क्राउनिंग विल बी इंजूरियस टू बेल्टिंग, और यदि क्राउनिंग ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा बेल्ट जो हमारी टूट जाएगी खराब हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ पुलीज की, इन इंजीनियरिंग फील्ड पुलीज में भी डिफरेंट टाइप्स, पुली कई प्रकार के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप एंड कंस्ट्रक्शन, बनावट के अनुसार उसके आकार के अनुसार, विच आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम वन साफ्ट टू अनदर, जो कि एक साफ्ट से दूसरे साफ्ट पर एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है। तो दीज आर थ्री टाइप्स, ये तीन प्रकार की होती है, एक होती है फिक्स्ड एक्सिस पुली जिनका एक्सिस फिक्स्ड होता है, व्हील एंड एक्सल स्टे इन वन डायरेक्शन, जिसमें कि व्हील और एक्सल जो होते हैं एक ही डायरेक्शन में स्टे करते हैं। दूसरी होती है मूवेबल एक्सेल पुली, फ्री टू मूव अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन में जो है आसानी से मूव कर सकती है। तीसरी होती है कंपाउंड पुली, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड और मूवेबल पुली, ये फिक्स्ड और मूवेबल पुली का जो है कॉम्बिनेशन होता है। तो जो नीचे जो फिगर दिखा रखा है दोस्तों ये कंपाउंड पुली व्हील दिखा रखा है, तो कंपाउंड पुली के एग्जाम्पल है, तो इस तरह से दोस्तों इसको फिगर से समझ सकते हैं। आगे चले सॉलिड कास्ट आयरन पुली, नंबर एक जो होती है सॉलिड कास्ट आयरन, दीज आर वन पीस कास्टिंग, ये एक ही पीस कास्टिंग में बनाई जाती है, एक बार में कास्ट करके बनाई जाती है, यानी कि जो मेटल को जो है पिघलाया और पिघलाने के बाद उसको ढाल दिया गया, तो इसको बोलते हैं कास्टिंग। वेन द पुली इज स्मॉलर इन साइज, जब छोटी होती है पुली यानी कि अप टू 20 mm सेंटीमीटर डायमीटर, जब उनका डायमीटर कितना होता है 20 सेंटीमीटर के आसपास, सॉलिड वेब इज प्रोवाइडेड टू कनेक्ट द आउटर रिम विद द बॉस, तो सॉलिड रिम लगा देते हैं, सॉलिड वेब लगा देते हैं उसके बॉस से उसको रिम को जोड़ने के लिए। फॉर द लार्जर पुली आर्म्स ऑफ इलिप्टिकल सेक्शन, अगर लार्ज पुली होती है तो उसका जो आर्म्स होती है वो इलिप्टिकल सेक्शन में होती हैं, बीच में भी स्ट्रेट और कर्व्ड, वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं। आर प्रोवाइडेड टू होल्ड द बॉस एंड रिम इन पोजिशन, ताकि जो बॉस और रिम है वो आपस में होल्ड कर सके उनको पोजिशन में। वेन द कास्टिंग ऑफ द पुलीज कूल इन द मोल्ड, जब इसकी कास्टिंग को मोल्ड के अंदर कूल करते हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस होता है, यानी कि वो चीज़ सुकुड़ती है, ड्यू टू अनइक्वल मैसेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन और एट डिफरेंट प्लेसेस इज अनइक्वल एंड दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट स्ट्रेसेस इन द आर्म्स, तो इसके कॉन्ट्रक्शन के कारण क्या होता है डिफरेंट प्लेसेस पे अनइक्वल कॉन्ट्रक्शन होती है, अलग अलग कहीं से कहीं कम सुकड़ेगी कहीं से ज़्यादा सुकड़ेगी, तो इससे क्या होता है उसके अंदर स्ट्रेसेस अलग अलग स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। तो नीचे आपकी जो है दोस्तों सॉलिड कास्ट आयरन पुली दिखा रखी है। दूसरी होती है स्प्लिट पुली, लार्ज साइज पुलीज आर मेड इन टू हाफ, जो बड़ी बड़ी पुली होती हैं उनको दो पार्टों में बनाते हैं एंड जॉइन टूगेदर बाई काउंटर संग बोल्ट, और काउंटर संग बोल्ट की सहायता से उनको जोड़ देते हैं और रिविट की सहायता से, फॉर्मिंग ए बट जॉइंट, बट जॉइंट बनाते हैं।
विद ए प्लेट फिक्स्ड इनसाइड द रिम, जो कि इनसाइड उसके रिम के अंदर जो प्लेट लगी होती है, दे आर फ्री फ्रॉम स्ट्रेसेस, ये स्ट्रेसेस से फ्री होती हैं, इंड्यूस्ड इन द कास्टिंग ड्यू टू अनइक्वल कंस्ट्रक्शन, अनइक्वल कंस्ट्रक्शन के कारण। द आर्म्स ऑफ दीज पुलीज आर राउंड एंड स्ट्रेट, जो इनकी आर्म्स जो होती हैं वो राउंड होती हैं और स्ट्रेट होती हैं। वन एंड ऑफ द आर्म्स इज स्क्रूड इन टू द हब एंड द अदर इज श्रंक्ड इन टू द रिम, एक स्क्रू होता है हब के साथ और दूसरा जो है रिम के अंदर श्रंक होता है। सम टाइम ओनली द रिम इज स्प्लिट इन टू टू और मोर पार्ट्स, कभी कभी जो है रिम को स्प्लिट कर देते हैं दो या दो से अधिक पार्टों में। स्प्लिट पुली आर लाइटर, ये जो स्प्लिट होती हैं पुली होती हैं ये हल्की होती हैं, स्ट्रोंगर मजबूत होती है एंड मोर ड्यूरेबल और ज़्यादा टिकाऊ होती हैं। दे आर प्रेफर टू हाई स्पीड, इसलिए इनको हाई स्पीड के लिए प्रेफर किया जाता है। दे आर जनरली मेड ऑफ रोट आयरन एंड माइल्ड स्टील, ये रोट आयरन और माइल्ड स्टील की बनी होती हैं। तो दोस्तों नीचे आपको स्प्लिट पुली का एग्जाम्पल दिखा रखा है। आगे बात करते हैं दोस्तों बिल्ट अप पुली की। ए बिल्ट अप पुली इज ऑलवेज ए स्प्लिट टाइप पुली, ये भी स्प्लिट टाइप पुली होती है एंड एंड्स ऑफ माइल्ड स्टील आर्म्स आर श्रंक इन टू द हब, और जो माइल्ड स्टील की जो आर्म्स होती हैं वो हब के अंदर श्रंक होती हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग के समय पर उनको श्रंक कर देते हैं। द आउटर एंड्स ऑफ द आर्म्स और स्पोक्स जो होते हैं आर फास्टेन टू द रिम, उनको रिम से फास्टेन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दैट इज मेड आइदर ऑफ सीट रोट आयरन, या तो सीट रोट आयरन का बने होते हैं या फिर प्रेस्ड सीट आयरन की, प्रेस सीट स्टील। द टू हाफ्स ऑफ द रिम आर बोल्टेड एज वेल एज रिविटेड, अब उनको दो को आपस में जो रिविट या बोल्ट की सहायता से जोड़ देते हैं, बाई काउंटर संक बोल्ट एंड रिविटेड फॉर्मिंग ए बट जॉइंट, और कौन से जॉइंट बनाते हैं, बट जॉइंट बनाते हैं। बिल्ट अप पुलीज आर लाइटर, ये हल्की होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं भी, ज़्यादा टिकाऊ होती हैं एंड प्रेफर्ड फॉर हाई स्पीड, और हाई स्पीड के लिए ये इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट होती है फास्ट एंड लूज पुली, नीचे फिगर दिखा रखा है दोस्तों, फिगर पे ध्यान देना, फास्ट एंड लूज पुली से फिगर जो है आपके प्रैक्टिकल माता बनाने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ टू पुलीज वन ऑफ विच कॉल्ड लूज पुली, ये दो पुली होती हैं, इनमें से एक क्या होती है लूज पुली, फ्री टू रोटेट अबाउट द शाफ्ट, जो कि शाफ्ट पर फ्रीली रोटेट करती है, वाइल द अदर कॉल्ड द फास्ट पुली, दूसरी होती है फास्ट पुली इज की टू द शाफ्ट, जो कि शाफ्ट के साथ की से जुड़ी हुई होती है। एक गन मेटल बुश इज प्रोवाइडेड इनसाइड द हब ऑफ द लूज पुली विच मे बी रिप्लेस वैन वॉर्न आउट, और एक गन मेटल बुश दिया होता है, यदि वो घिस जाए तो उसको फिर हम बाद में चेंज कर सकते हैं। द लूज पुली इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग अलोंग विद द लेंथ ऑफ द शाफ्ट बाई ए कॉलर फिक्स्ड ऑन द शाफ्ट, अब शाफ्ट पर एक कॉलर फिक्स होता है ताकि जो है पुली उसके साथ जो है मूव ना करे, रोटेट ना करे। द सेट ऑफ पुलीज इज माउंटेड ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट एंड इज यूज टू स्टॉप और स्टार्ट द ड्राइविंग शाफ्ट व्हेन डिजायर्ड, तो जो दूसरी जो सेट ऑफ पुली जो होती है माउंटेड ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट पर जो होती है उसकी सहायता से हम उसको स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं ड्राइविंग शाफ्ट को, जब हमें हमारी इच्छा के अनुसार, विदाउट इंटरफेयरिंग विद द रनिंग ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट, बिना रनिंग फिट के और ड्राइविंग शाफ्ट के। टू स्टॉप द ड्राइविंग शाफ्ट द बेल्ट इज शिफ्टेड टू द लूज पुली, जब उसको हमको रोकना होता है तो हम जो लूज पुली जो होती है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं लूज पुली की तरफ को, बेल्ट को, टू कीप लिटिल लेस देन दैट ऑफ द फास्ट पुली। इट इज़ डन टू रिलीव द बेल्ट ऑफ इट्स टेंशन, ताकि जो उसकी जो टेंशन है उसको रिलीव किया जा सके। द फास्ट पुली इज सिक्योर टू द शाफ्ट बाई जीव हेड संक की और ग्रूव स्क्रू, अब जो फास्ट पुली जो इस मतलब शाफ्ट के साथ जुड़ी होती है या तो वो जीव हेड संक की से जुड़ी हुई होती है या फिर ग्रूव स्क्रू से। टू अलाउ द फ्री रनिंग ऑफ द लूज पुली, लूज पुली को फ्री रनिंग देने के लिए एक गन मेटल और बुश ब्रास बुश इज प्रोवाइडेड, या तो गन मेटल का या फिर ब्रास का बुश जो उसके अंदर लगा होता है, विच शुड बी ड्राइविंग फिट, जो कि ड्राइविंग फिट होती है इन द हब एंड रनिंग फिट ऑन द शाफ्ट, हब के अंदर ड्राइविंग फिट और शाफ्ट के ऊपर आपकी रनिंग फिट होती है। इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों। टू चेक द एक्सियल मूवमेंट ऑफ द लूज पुली, लूज पुली के एक्सियल मूवमेंट को चेक करने के लिए एक कॉलर इज सिक्योर टू द शाफ्ट बाई ए सेट स्क्रू, तो उस पर सेट स्क्रू की सहायता से उस पर एक कॉलर लगा होता है जिससे हम उसकी एक्सियल मूवमेंट को चेक कर सकते हैं। तो नीचे दोस्तों फिगर दिखा रखा है। आगे बात करते हैं इसके दोस्तों नेक्स्ट टाइप की, नेक्स्ट पहले इसकी फंक्शन की बात करते हैं। ए मशीन कैन बी इजीली स्टॉप्ड और रोटेटिंग वेन एवर रिक्वायर्ड बाई द यूज ऑफ ए पेयर ऑफ फास्ट एंड लूज पुली, जब इसको फास्ट और लूज पुली की सहायता से जब मर्जी चाहें इसको हम यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, जब मर्जी इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। दिस पेयर इज माउंटेड ऑन ए काउंटर शाफ्ट, ये काउंटर शाफ्ट माउंटेड होता है नियर द मशीन टू बी ऑपरेटेड, जहाँ पर मशीन को हम ऑपरेट करते हैं। वेन द ड्राइविंग बेल्ट फ्रॉम द मेन शाफ्ट इज टू बी फास्ट पुली द काउंटर शाफ्ट इज इन द मोशन, इफ द बेल्ट इज शिफ्टेड फ्रॉम द फास्ट पुली ऑन द लूज पुली द काउंटर शाफ्ट विल स्टॉप रोटेट
फिगर शोज द पोजिशन ऑफ द फास्ट एंड लूज पुली इन द ड्राइविंग सिस्टम। ये पीछे हम बता चुके हैं कि जब इसको स्टॉप करना होता है तो फास्ट पुली से हम लूज पुली की तरफ को उसको बेल्ट को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेप्ड पुली और स्पीड कोन पुली। नीचे फिगर दिखा रखा है, ऊपर फिगर दिखा रखा है, नीचे वाले फिगर को देखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। स्पीड कोन पुली आर इंप्लॉयड फॉर रनिंग द ड्राइविंग शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एट डिफरेंट स्पीड फॉर ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ ड्राइवर। अलग अलग स्पीड पर कॉन्स्टेंट स्पीड देने के लिए टू कोन पुलीज आर माउंटेड टू टू शाफ्ट, वन ऑफ विच कैन बी टेकन एज ड्राइवर एंड द अदर एज ड्राइवर। एक ड्राइवर का काम करती है और दूसरा ड्राइवर का। बाई पुटिंग द बेल्ट ऑन डिफरेंट स्टेप्स डिफरेंट स्पीड ऑफ द ड्राइविंग शाफ्ट एंड कैन बी ऑप्टेंड वाइल द ड्राइविंग शाफ्ट रन एट द कॉन्स्टेंट स्पीड। जब कांस्टेंट स्पीड पर चल रही हो तो हम उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए इसकी बेल्ट को जो है इसकी मतलब जो स्टेप्स हैं उनके स्टेप्स पर अलग अलग स्टेप्स पर उसको चेंज कर सकते हैं। टू रिड्यूस द वेट द पुली इज मेड होलो एंड की वे इज प्रोवाइडेड इन द हब। इसके वजन को कम करने के लिए इनको खाली मतलब अंदर से खाली बनाया जाता है और इसके अंदर जो है एक की वे दिया जाता है हब के अंदर ही। तो ये थी दोस्तों हमारी स्पीड कोन पुली। बात करते हैं वी बेल्ट पुली की। नीचे आपको वी बेल्ट पुली दिखा रखी है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वी बेल्ट पुली का एग्जांपल कितना होता है, तो 40 डिग्री याद रखना। इन वी बेल्ट पुली वी ग्रूव्स आर कट ऑन रिम टू कैरी वी बेल्ट। इसके ऊपर रिम के ऊपर जो ग्रूव कटे होते हैं वी की तरह के, ताकि उनके अंदर बेल्ट जो है फंस जाए वी बेल्ट। वी ग्रूव्स कैन बी वन और मोर देन ऑन वन डिपेंडिंग अपॉन अप टू पावर ट्रांसमिशन। अब ये जो ग्रूव जो कटे होते हैं एक भी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारी जो पावर ट्रांसमिशन है किस तरीके से हमको उसको ट्रांसमिट करना है। वी बेल्ट्स आर मेड ऑफ रबर। जो वी बेल्ट होती है या तो रबर की बनी होती है एंड फाइबर या फाइबर की एंड मोल्डेड एज एंडलेस लूप रन इन थ्री ग्रुप्स देयर ग्रुप्स और जो या फिर वो एंडलेस ग्रुप ग्रुप में बनाई जाती हैं जो कि ग्रुप्स के अंदर आराम से रोटेट करती हैं। पहले फिगर में देख सकते हो कि पुली के ऊपर बेल्ट मतलब जो हमारी वी बेल्ट है कैसे रोटेट कर रही है। वी बेल्ट पुली आर जनरली यूज टू ट्रांसमिट पावर व्हेन द सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइविंग एंड ड्राइविंग शाफ्ट इज नॉट लार्ज। मतलब जब दो पुलियों के बीच की डिस्टेंस कम होती है वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो वी बेल्ट पुली का जो एग्जांपल होता है वो एंगल जो होता है दोस्तों वो 40 डिग्री होता है। इसको जरूर याद रखना, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं रोप पुली की। रोप पुली की आपको फिगर दिखा रखे हैं, एक्चुअल फिगर भी दूसरा भी। रोप पुली का भी एग्जाम्पल पूछा जाता है, एंगल पूछा जाता है, तो इसका एंगल होता है 45 डिग्री। ठीक है, वी बेल्ट पुली का 40 और रोप पुली का 45। दिस टाइप ऑफ पुली इज स्मॉलर इन कंस्ट्रक्शन टू दैट ऑफ सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन टू दैट ऑफ ए वी ग्रूव पुली। ये वी ग्रूव की तरह ही बनी हुई होती है एक्सेप्ट दैट इंस्टीड ऑफ वी ग्रूव सर्कुलर ग्रूव इज कट ऑन द रिम टू अकोमोडेट रोप। इसमें वी ग्रूव की जगह दोस्तों सर्कुलर ग्रूव कट होते हैं क्योंकि वी ग्रूव में आपकी बी वेल्ट फंसती है लेकिन सर्कुलर ग्रूप के अंदर आपकी रोप फंसती है क्योंकि रोप जो होती है आपकी सर्कुलर होती है, तो इसलिए इसके जो ग्रूप होते हैं सर्कुलर होते हैं। द रोप्स आर मेड ऑफ कॉटन लंप, ये कॉटन लंप की बनी होती है तो एंड स्टील की बनी हो सकती है ETC एंड अवेलेबल इन डिफरेंट डायमीटर, अलग अलग डायमीटर में पाई जाती है। द एंगल ऑफ रोप पुली इज 45, इसका जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है। डिटेल में आगे पढ़ेंगे दोस्तों अभी आगे रोप क्या होती है कैसे होती है। नेक्स्ट होती है जॉकी। दोस्तों जॉकी पुली, जॉकी पुली से क्वेश्चन जरूर आता है कि जॉकी पुली कैसे लगाते हैं। दिस इज टाइटनिंग पुली, इसको टाइटनिंग पुली बोलते हैं। यूज फॉर टाइटनिंग ऑफ द बेल्ट, ये बेल्ट को टाइटनिंग करने का काम करती है। इट ब्रिंग्स अबाउट द टाइटनिंग ऑफ द बेल्ट ऑटोमेटिकली, ये बेल्ट को ऑटोमेटिकली टाइट कर देती है। इट इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर व्हेन द डिफरेंस इन डायमीटर्स ऑफ द ड्राइविंग पुली एंड द ड्राइविंग पुली इज लार्ज। जब डिफरेंस होता दोनों में यानी कि एक पुली बड़ी होती है और एक पुली जो है छोटी होती है डायमीटर में, तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एन आर्म इज यूज टू सपोर्ट दिस पुली, एक आर्म लगी होती है जो इस पुली को सपोर्ट करती है। दिस आर्म इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स पिवेट, वो जो है अपने पिवेट पर फ्रीली मूव करती है। द आर्म कैरीज ए डेड वेट, उस पर डेड वेट होता है, इज सच ए वे दैट इट कॉजेज द जॉकी पुली टू प्रेस अगेंस्ट द लूज बेल्ट, ताकि वो लूज बेल्ट की तरफ जो है वो टाइट कर दे उसको। दिस पुली इंक्रीज द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, इससे आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है ऑफ द ड्राइविंग पुली, सेव्स बेल्टिंग एंड फ्लोर स्पेस, बेल्टिंग बच जाती है, फ्लोर स्पेस बच जाता है एंड थस मेंटेनिंग ए स्टडी ट्रांसमिशन ऑफ मोशन बाई बेल्ट। और उससे जो है फिर उनको एक स्मूथ मतलब एक प्रकार का स्मूथ टाइप का जो है आपको मोशन जो है ट्रांसमिशन ऑफ मोशन उनको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये थी आपकी दोस्तों जॉकी पुली। नेक्स्ट होती है रोट आयरन पुली। दीज आर वाइडली यूज इन द वर्कशॉप, ये रोट आयरन पुली वर्कशॉप में ज़्यादा यूज की जाती हैं। दे आर लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये हल्की होती हैं, मजबूत होती हैं, टिकाऊ होती हैं
एंड आर इंटायरली फ्री फ्रॉम अनइक्वल कंस्ट्रक्शन, और अनइक्वल कंस्ट्रक्शन से भी ये फ्री होती हैं। सम पार्ट्स ऑफ द कास्ट आयरन पुली आर मेड ऑफ रोट आयरन, कुछ जो रोट आयरन के बने होते हैं, कास्ट आयरन पुली की जो होते हैं। पुलीज ऑफ लार्जर डायमीटर आर मेड विद टू और मोर रोज ऑफ स्पोक्स, और जो लार्ज पुली जो होती है, लार्ज डायमीटर की जो होती हैं, उसके अंदर दो या दो से अधिक रोज ऑफ स्पोक्स की पाई जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट होती है प्रेस्ड स्टील पुली, दीज आर कंस्ट्रक्टेड थ्रू आउट फ्रॉम स्टील प्रेसिंग एंड हैंस दीज आर लाइट एंड चीप, ये पूरी की पूरी स्टील से बनाई जाती हैं प्रेस करके, और ये हल्की होती हैं और सस्ती होती हैं। दीज आर असेंबल्ड बाई वेल्डिंग एज वेल एज रिवीटिंग, इनको वेल्डिंग करके और रिवीटिंग करके बनाया जाता है। द सर्फेस ऑफ रिम इज स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन टू कैरी द बेल्ट ओवर इट, और ये जो है सरफेस जो होती है इनकी स्मूथ होती है और फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन टू कैरी द बेल्ट ओवर इट, और किसी प्रकार की रुकावट ना आए इसके ऊपर जो है बेल्ट को इसके ऊपर मूव करने में। तो ये होती है आपकी दोस्तों प्रेस्ड स्टील पुली। नेक्स्ट होती है वुड पुली, नीचे आप वुड पुली का एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, फिगर दिखा रखा है। वुड पुलीज आर ऑल्सो समटाइम्स यूज, कभी कभी लकड़ी की पुली भी यूज की जाती है। ए वुड पुली 60% लाइटर देन कास्ट आयरन पुली, ये कास्ट आयरन पुली के मुकाबले 60% हल्की होती है एंड 30% लाइटर देन स्टील पुली, और जो स्टील की जो पुली होती हैं उनके मुकाबले 30% हल्की होती है। ये दोस्तों वुड है, यहाँ पे ये ओ डबल डी जो है ये वुड समझना इसको, ये वर्ड आपका गायब हो गया डब्ल्यू यहाँ से। वुड पुलीज रिड्यूस द वेट, वुड पुलीज जो होती हैं वेट को रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं। ऑनलाइन साफ्टिंग एंड सेव्स द पावर लॉस्ट इन रोटेटिंग अनलेस हैवी मास, अनलेस हैवी मास को जो रोटेट करने में जो मतलब हमारी पावर कंजप्शन होती है उसको भी लॉस्ट होने से बचाता है। द टिम्बर यूज फॉर प्रिपेयरिंग द पुलीज मस्ट बी वेल सीजन, जो जिस लकड़ी से पुली बनाई जाती है वो अच्छी वेल सीजन होनी चाहिए। वुड पुलीज शुड बी कोटेड विद डैम्प प्रूफ सेलेक वार्निश, इसको डैम्प प्रूफ सेलेक वार्निश से कोटेड कर देनी चाहिए। रिम ऑफ द पुलीज इज लेमिनेटेड एंड नेल्ड, लेमिनेटेड होनी चाहिए। स्पोक्स आर फ्लैट एंड ग्लूड टू द रिम, और जो स्पोक्स जो होते हैं उसके फ्लैट हों और ग्लूड होने चाहिए, चिपके होने चाहिए। कैपस्टन वुड पुली इज द वेल नोन पुली ऑफ दिस वेराइटी, जो कैपस्टन पुली होती है इस पुली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो पूछ लेते हैं कि वुड पुली के एग्जाम्पल दो, तो कैपस्टन वुड पुली, ये दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट होती है वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली, दिस मशीन कंसिस्ट ऑफ टू ब्लॉक ए एंड बी, इसमें दो ब्लॉक होते हैं, फिगर में दिखा रखे, आगे देखते हैं। द ब्लॉक ए इज फिक्स्ड एज टू पुलीज 1 and 2 ऑफ द डिफरेंट डायमीटर बट फिक्स्ड टू और कॉमन एक्सल, मतलब अलग अलग एक पुली एक ए होती है दूसरी बी होती है, स्नैच ब्लॉक बोलते हैं उसको। इज मूवेबल एंड कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पुली टू विच लोड इज अटैच, जिससे जो है लोड अटैच होता है सिंगल पुली से। एन एंडलेस चैन और ए रोप पासिस अराउंड द पुली वन, पुली वन के अराउंड जो चारों तरफ जो है एक या तो चैन या एक रोप को लपेट देते हैं जो कि एंडलेस होती है, मतलब जो है जिसमें कोई एंड नहीं होता है। देन अराउंड द पुली ऑफ द लोअर ब्लॉक एंड फाइनली अराउंड द पुली टू, और फिर जो है लोअर ब्लॉक के साथ मिला करके भाई पुली टू से उसको जोड़ देते हैं। रिमेनिंग चैन हैंग स्लैक इन द जॉइनिंग एंड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द चैन पासिंग ओवर द पुली वन टू प्रिवेंट द चेंजिंग फ्रॉम स्लिपिंग, प्रोजेक्शंस आर प्रोवाइडेड इन द ग्रुप्स ऑफ द पुली, अब पुली के ग्रुप्स में प्रोजेक्शंस भी दिए होते हैं ताकि वो जो है स्लिप इस ना करें। अब डी जो दे रखा कैपिटल डी डायमीटर ऑफ द पुली वन, स्मॉल डी डायमीटर ऑफ पुली टू, डब्ल्यू लोड टू लिफ्ट और पी अफोर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड। इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द अपर पुली ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अफोर्ट होता है पाई डी, यदि एक बार उसको रोटेट करेंगे रिवॉल्व करेंगे तो पाई डी डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द लेंथ ऑफ द चैन ओवर द पुली, यानी कि पुली के ऊपर कितनी चैन है उसके बराबर होता है पुली वन के ऊपर। सिंस पुली टू ऑल्सो टर्न्स विद पुली वन, अब पुली वन के साथ जो मूव करती है टू, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द चैन रिलीज्ड बाय द स्मॉलर पुली पाई डी, ठीक है। नेट सॉर्टिंग ऑफ द चैन पाई डी माइनस पाई स्मॉल डी इजिकल टू पाई कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, दिस शॉर्टनिंग ऑफ द चैन विल बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू पोर्शन ऑफ द चैन सपोर्टिंग द लोड। तो दोस्तों ये आईटीआई वाले बच्चों को थोड़ा सा पल लेनी पड़ेगी क्योंकि वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली जो है ये डिप्लोमा या डिग्री में इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा डाल दिया, डिप्लोमा डिग्री वाले इसको देख लें। तो एक्सप्लेन यहाँ पर इसलिए नहीं किया गया ज़्यादा अच्छी तरीके से क्योंकि जो है ये डिप्लोमा का पोर्शन है, यहाँ पर डिग्री वाले बच्चे हमको आईटीआई के बच्चों के हिसाब से देख के चलनी पड़ती है क्लासेस थोड़ी सी, क्योंकि उसी के हिसाब से इनकी वीडियो बनाई जा रही है। तो ये आपकी दोस्तों डिफरेंशियल पुली की फिगर दिखा रखे हैं दोस्तों साथ में, तो तीन फिगर हैं अलग अलग प्रकार के, आपको जो फिगर बनाना होता सबसे पहले वाला जो ऊपर दिखा रखा है, द डिस्टेंस थ्रो विच द लोड विल मूव अप ये पाई बाई टू होता है, एंड द डिस्टेंस थ्रो विच द अफोर्ट हैज मूव ये पाई कैपिटल डी,
और जो इसकी वेलोसिटी रेशियो होती है वो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट और डिस्टेंस मूव बाय द लोड। तो ये इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करके निकाल रखा है। और जो पुली रेशियो होती है दोस्तों वो होती है टू कैपिटल एन वन अपॉन में एन वन माइनस के एन टू। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला याद रखना। इससे हालांकि आई टी आई में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये आगे हाई लेवल की है, इसके बारे में डिटेल में जो पिक्चर में वीडियो मिलेगी वो आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी पुली के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लास्ट में बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, एंड नमस्कार।